नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। कक्षा 10वीं की परीक्षा में इस साल 78.17% छात्र पास हुए हैं। इस साल पास प्रतिशत में करीब 2% की गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें, पिछले साल पास प्रतिशत 80.59% था। इस बार फिर रोहतास जिले ने टॉपर दिया है। आपको बता दें, बलदेव हाई स्कूल दिनारा रोहतास के संदीप कुमार टॉपर बने हैं। पहली रैंक पर 3 स्टूडेंट्स ने कब्जा जमाया है। सिमुलतला की छात्रा और उनकी क्लासमेट शुभ दर्शनी को 484 अंक मिले हैं। इसके अलावा बलदेव हाई स्कूल दिनारा रोहतास के संदीप कुमार ने भी 484 अंकों के साथ पहली रैंक हासिल की है। इस बार टॉप 10 में सिमुलतला स्कूल के 13 स्टूडेंट्स शामिल हैं। आपको बता दें, बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में साल 2020 में 2 सालों से टॉपर देने वाले स्कूल सिमुलतला आवासीय विद्यालय को निराशा का सामना करना पड़ा था और वो हैट्रिक से चूक गया था। वहीं इस साल उसका रिजल्ट बेहतर रहा है। सिमुलतला जमुई की छात्रा दीपाली आलोक, हाई स्कूल मानकपुर लखीसराय की अमीषा और श्री रितलाल हाई स्कूल बेगूसराय की तनन्नुन ने 483 अंकों के साथ दूसरी रैंक हासिल की है। आपको बता दें कि बोर्ड ने 10वीं परीक्षाएं 20 जनवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच आयोजित की थी। इस साल 1525 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। 16,84,000 छात्रों ने 10वीं की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 16,54,171 छात्रों ने परीक्षा दी थी और उसमें से 12,93,054 छात्र पास हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।